कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, बीजेपी वालों मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है झूठ। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा, इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी, वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी, वो सरकार लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बीजेपी को ये पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एनसीडी का और बीजेपी वालों का, शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 तारीख को 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर से, ये कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है, कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो, आज बीजेपी है कल बीजेपी हो ना हो, आज केजरीवाल है कल केजरीवाल नहीं होगा, आज मोदी जी हैं कल मोदी जी नहीं होंगे, कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। कह रहे हम यूनिफाई करना चाहते हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई कर रहे हैं इसलिए चुनाव टाल दो, चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया। कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे, अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो, गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है झूठ, नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है झूठ है ये। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था तो
दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आया था। केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया, मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।